देखिए, आज कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लिया है और कैबिनेट से हमने प्रस्ताव किया है कि जो ऑर्डिनेंस हमने पंचायत चुनाव के लिए जारी किया था, जिस ऑर्डिनेंस के आधार पर पंचायत के चुनाव हो रहे थे, वो ऑर्डिनेंस आज कैबिनेट ने विड्रा कर लिया है। और विड्रा करके हमने गवर्नर साहब को भेज दिया है। गवर्नर साहब के यहाँ से चुनाव आयोग को जाएगा और चुनाव आयोग उस पर निर्णय करेगा। परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और वास्तव में ओबीसी आरक्षण के लिए, ओबीसी वर्ग के हितों के लिए, ओबीसी वर्ग को चुनाव में अवसर मिले, इसके लिए हमने एक तरह से सरकार को दांव पे लगा दिया। इससे बड़ा निर्णय नहीं हो सकता। हमने ऑर्डिनेंस विड्रा कर लिया और सरकार को पूरी तरह से दांव पे लगा दिया कि किसी भी स्थिति में बिना ओबीसी के आरक्षण नहीं होना, ओबीसी के चुनाव नहीं होना चाहिए। ओबीसी आरक्षण के हमने विधानसभा में भी इस बात को कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा था कि हम ओबीसी आरक्षण से ही चुनाव कराएंगे। और इसलिए ओबीसी वर्ग के लिए आज बहुत बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से ओबीसी समाज की ओर से अभिनंदन करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं जो निर्णय आज हुआ है। सर, देखिए, ये जो हमने ऑर्डिनेंस लाए थे जिसको आज विड्रा किया है, इस ऑर्डिनेंस में हमने ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत के चुनाव में दिया था और पहले से भी इसी आधार पर चुनाव हो रहे थे। परंतु जैसा हम सब जानते हैं कि कांग्रेस 5 बार हाईकोर्ट गई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट गई और कांग्रेस के कारण ओबीसी को आरक्षण से वंचित होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस तरह का हुआ और इसलिए ओबीसी के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। अगर कांग्रेस कोर्ट नहीं गई होती तो ओबीसी को आरक्षण के आधार पर ही चुनाव हो रहे थे। ओबीसी वर्ग के लोग तैयारी कर रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, लोगों में उत्साह था। परंतु इसके लिए पूरी तरह से 100% कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस को ओबीसी वर्ग किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा। सरकार ने ओबीसी के सामने आपने समर्पण किया है पंचायत चुनाव में। कांग्रेस को तो हमारा अभिनंदन करना चाहिए, वो तो ओबीसी के नाम पर नौटंकी कर रहे थे। आखिर और क्या रास्ता था? इसका एक ही रास्ता था कि हम ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करें जिससे कि ओबीसी के बिना ओबीसी के चुनाव ना हो, ओबीसी को आरक्षण मिल सके। और इसलिए इतना बड़ा निर्णय हमने किया है। ओबीसी के लिए हमने सरकार को दांव पे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज के लिए आपत्ति की, उसके लिए हमने अपनी सरकार को दांव पे लगा दिया है। इससे बड़ा कोई निर्णय हो नहीं सकता। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।